उम्मीद है आपको इस हैशटैग धमाकेदार दिसंबर के बैक टू बैक व्लॉग्स में मज़ा आ रहा है। आपके लिए बस जर्नीज दिखाई जा रही है, लग्जरियस बसेस। आपको वॉल्वो B11R मैंने दिखाई और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही स्पेशल बस जर्नी। दिस इज मर्सिडीज बेंज ट्रैवल विद द स्टार। आपको सच बता रहा हूँ, मैं ड्यूरिंग कोविड इस बस को बंद कर दिया गया था, मैं कितने टाइम से वेट कर रहा था, बट फाइनली नाउ दिस बस इज़ ऑपरेटिंग और इसका व्लॉग आपके सामने, पूरा व्लॉग देखिएगा। एक और लग्जरी बस जर्नी आपके लिए। शुरुआत करें, देखिए आपको स्टाइल बता दो ऐसे निकोमा, हेडफोन लगाइए, डिवाइस को कीजिए फुल स्क्रीन और अगले 10-15 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाइए। मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ और हम दोनों हैं एक दूसरे के साथ। तो मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज हमारी मर्सिडीज बेंज को। ऑलरेडी देखिए मर्सिडीज बेंज हमारी यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। पूरा व्लॉग देखिएगा, आज डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले करंट लोकेशन नागरकोइल ओमनी बस स्टैंड। अब वक्त कुछ 8 o'clock, जो मेरी मर्सिडीज़ है वो है 8:30 की। तो मैं ट्रैवल करने वाला हूँ फ्रॉम नागरकोइल टू चेन्नई। तो अगर आप इस रूट पर ट्रैवल करने वाले हो, व्लॉग को पूरा देखिएगा। इस वाली लाजवाब बस का इंटीरियर आपको दिखाया जाएगा, कॉस्टिंग मैंने क्या पे किया है, रूट वगैरह सब कुछ। बट आप देखिए, बस हो गई मर्सिडीज बेंज। अगर आप आउटर बॉडी देखोगे, दिस इज़ बाय MG ड्रीम्स। और जितनी भी बस जर्नीज मैंने अब तक की है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए हेडफोन लगाइए और पूरी जर्नी देखिए। अभी तो क्या है, बस आई है, थोड़ा क्या है आधा घंटा है तो अभी बस को स्टार्ट भी नहीं किया गया है, AC वगैरह भी ऑन नहीं है। तो अभी अन्ना बता रहे थोड़ा 15-20 मिनट रुकना पड़ेगा बोर्डिंग के लिए। एक बार बोर्डिंग स्टार्ट होगी फिर कोशिश करेंगे आपको बस का पूरा इंटीरियर भी दिखाया जाए। और आप देखो यहाँ ओमनी बस स्टैंड पर ना जाने कितनी ट्रैवल एजेंसीज़ के आप ऑफिस देख सकते हो। इस तरफ आप बसेस देखिए, इस तरफ आप बसेस देखिए। गवर्नमेंट कुछ आई गेस गवर्नमेंट तो नहीं, सब प्राइवेट हैं, बट AC नॉन AC सीटर स्लीपर सेमी स्लीपर सब आप देख सकते हो। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बाय MSS। देखिएगा भाई साहब, मैंने सोचा था मर्सिडीज़ अच्छी होगी बट ये तो भाई साहब ये तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। सफ़र की शुरुआत होने से पहले हमारे साथ ड्राइवर ना मौजूद है, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम शिवा है। और नागरकोइल टू चेन्नई का जो इस बस का रूट है, जो ट्रैवलर्स प्लान कर रहे हैं, जरा आप रूट बताएंगे एक बार। अभी इधर भी तिरुनेलवेली मदुरई तिरुची और चेन्नई। अच्छा, और इस वाली गाड़ी में दो ड्राइवर। तो अन्ना यहाँ से ड्राइवर दादा कहाँ चेंज होने वाले हैं आगे? अभी इधर भी तिरुची में एक शॉप है ना, एक शॉप में गाड़ी रुकेगा। अभी चाय पीने वाला कस्टमर का, बाथरूम जाने वाला का, गाड़ी रुकेगा, बाद में दो ड्राइवर चेंज। अच्छा, और एक और जानना चाहेंगे, जैसे वॉल्वो B11R हो गया और मर्सिडीज बेंज है, दोनों में से बेटर कौन सा है ड्राइव करने में? ड्राइव करने का वॉल्वो बेटर है। वॉल्वो बेटर है, ऐसा क्यों अन्ना? इसका वालों का कंफर्टेबल के साथ है, बेंस का सेम है बट में वॉल्वो अच्छा है, वॉल्वो ज़्यादा अच्छा है। और दोनों में अगर कंपैरिजन करें, हैवी वॉल्वो B11R है कि ये मर्सिडीज B11R ज़्यादा हैवी है। चलिए थैंक यू सो मच अन्ना है, अब कोशिश करेंगे अन्ना से आगे बातचीत करें। थैंक यू सो मच, ये ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको अंदर लेके चलेंगे, AC ऑन कर दिया गया है, अब आपको पहले इंटीरियर दिखाना है। और बस स्टैंड की तो भाई साहब वाइब भी अलग है, और लोग देख रहे हैं कि भैया ये आखिर कर क्या रहा है फ्लैश लाइट ऑन करके। भाई साहब यही तो यूट्यूब का मज़ा है, अगर आप ट्रैवल व्लॉगिंग करना चाहते हो ना, डर अंदर से ख़त्म कर दो, डर ख़त्म कर दो और बस व्लॉगिंग चालू कर दो, जो मज़ा आएगा ना। और यहाँ से इस लग्जरियस मर्सिडीज बेंज का आपके लिए पूरा टूर शुरू होने जा रहा है इंटीरियर। पहले आप केबिन राइट देख लीजिए, कोशिश करेंगे केबिन आपको दिखाई जाए आगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हर पैसेंजर को एक पानी की बॉटल कॉम्प्लीमेंट्री दी जाएगी, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यू गेट CCTV कैमरा। ये हो गया केबिन की बात, अंदर आपको लेके चलेंगे। दिस इज़ अगर आप देखोगे, अब यहाँ पर AC ऑन कर दिया गया है अगर आप देखोगे, सो दिस इज़ 2x1 का कॉम्बिनेशन जो यहाँ पर आपको मिलता है। टोटल पैसेंजर कैपेसिटी की बात करें तो इस वाली बस की है 41। फीचर्स का मैं आपको बता दूँ, ये देख लीजिएगा, ये अपर आपको मिलेगी, ये साइड अपर। अगर आप देखोगे यहाँ लगेज वगैरह रखने का, ये USB चार्जिंग पॉइंट हो गया, AC फ्लैप्स हो गया, प्लस लाइट्स वगैरह रीडिंग लाइट्स वगैरह आपको मिलेगा। अगर आप देखोगे दिस इज़, जैसे हमने आपसे कहा, दिस इज़ बाय MG। यहाँ पर आपको पिलो हो ही गई, प्लस आपको ब्लैंकेट भी दिया जा रहा है। ये बस देख लीजिएगा, पीछे आपको पूरा लेके चलेंगे। यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन कर्टेंस आपको दिए गए हैं फॉर प्रिवेसी, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। अगर आप देखोगे पीछे भी आपको CCTV कैमरा मिलता है, सो फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ये बात सही है। जो मेरे को मिली है दिस इज़ L33 जो मैंने ली है लोअर बर्थ अगेन। तो आपको पूरा सफ़रनामा यहाँ से दिखाएंगे और वाइड लेंस में अगर मैं आपको एक बार दिखा पाऊँ,
पर सिर्फ एक चीज़ आई फील यहाँ पर मिसिंग है, दैट इज़ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़ टीवी। अगर टीवी और होता ना तो और मज़ा आ जाता। खैर कोई बात नहीं, बट आप देखिए क्लीननेस वगैरह सब आप देख सकते हो, कर्टेंस हो गए। आपको कैसा लगा इस मर्सिडीज़ बेंज का इंटीरियर ज़रा कमेंट करके बताइएगा। ये लोअर मैं आपको दिखा दूँ, इनकेस अगर आप कपल में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप सोलो हैं तो आई वुड सजेस्ट यू साइड अपर या साइड लोअर जो भी आपको मिल जाए। जर्नी की शुरुआत हो चुकी है, पूरी लाइट पूरी बस में लाइट्स को डिम कर दिया गया है और देखिए मर्सिडीज क्या दौड़ रही है। बिकॉज ये है मल्टी एक्सल, तो आपको जो कंफर्ट मिलता है ना पूछिए मत। बिकॉज कर्टेंस है, फर्स्ट क्लास प्राइवेसी। आप सच में यहाँ का माहौल देखिए क्या सुकून है। अब ये बस जाएगी नॉन स्टॉप, जगह जगह रुकेगी, पैसेंजर्स बोर्ड करेंगे। अब देखते हैं पहला जो स्टॉप आएगा वो कितने टाइम में आएगा। बट आप मर्सिडीज़ की स्पीड देखिए ऐसा, यही तो है लग्जरी बस में ट्रैवल करने का मज़ा। और अब तक मैंने जितनी मर्सिडीज़ में ट्रैवल किया है व्लॉग्स आप चैनल पर देख सकते हो। मतलब आप देखो, अगर मैं बोलना बंद करूँ ना, देखो शायद आपको इंजन की आवाज़ सुनाई देगी। देखो रेयर इंजन जो आपको मिलता है, बाहर का कुछ नहीं दिख रहा। मैं तो लिटरली मानिए सो गया था अंदर, इतना कड़क एसी चल रहा है। अब बज रहे हैं लगभग 11। अब हमने, अगर आप देखोगे, अब हमने ब्रेक लिया है। मुश्किल से 15 मिनट का ब्रेक है। आप पीछे देखोगे हैदर टोल प्लाजा से बिल्कुल पहले डिनर में करके ही बैठा था। ये मानिए मैंने तो कसम खा ली है, बस में पहले ही डिनर कर लेंगे, रात को डिनर करेंगे नहीं। 11 बजे डिनर करोगे फिर लेटोगे, आपको पता ही है। मैंने लिए है एक कड़क कॉफ़ी। अब जितने पैसेंजर हैं सब उतरे हैं। यहाँ डोसा इडली वगैरह जो भी आप लेना चाहें, इस तरफ मैं आपको दिखा दूँ। अन्ना ये लोकल एरिया कौन सा? मदुरा। अब देखोगे बिल्कुल नेशनल हाईवे के किनारे ही हमारी बस खड़ी है, उस तरफ भी अपोजिट साइड भी कोई होटल। वेदर एकदम लाजवाब। तो भाई साहब यही है व्लॉगिंग करने में ना, यही मज़ा आता है। देखो एक ये नॉन एसी यहाँ से डिपार्ट होने के लिए तैयार, और आई गेस यहाँ पर हमारी मर्सिडीज़ के अब ड्राइवर अन्ना भी चेंज होंगे। थोड़े बहुत साथ में चिप्स के पैकेट और ले लिए। अब सबसे पहले आपको बता दूँ जिस वाली बस के मैंने टिकट पे की है, दैट इज़ अराउंड 1300 वन वे का। डिस्टेंस आपको बता दूँ फ्रॉम नागरकोइल टू चेन्नई कुछ 700 किलोमीटर्स टाइम लगेगा, 10 से 12 घंटे की जर्नी। अगर आप मुझसे पूछो 700 किलोमीटर्स 1300 रुपीज़ फॉर मर्सिडीज़, मेरे हिसाब से ये प्राइस ठीक ठाक है। ऑन रोड बस की कॉस्ट आपको बता दूँ लगभग 2 CR। फ्यूल कैपेसिटी की बात करोगे तो 600 लीटर। अपना बता रहे टंकी फुल है तो वी विल गो नॉन स्टॉप। आपको मिलता है रेयर इंजन, आवाज़ आ रही है ना। और नेशनल हाईवे के किनारे खड़े होके व्लॉगिंग करने का तो मज़ा ही कुछ अलग है। अगर आपको रियल इंडिया देखना है ना, ट्रेन जर्नीज कीजिए, बस जर्नीज कीजिए। लोकेशन आप देख लीजिए, बाय एनी चांस कोई यहाँ से व्लॉग देख रहा है? नेशनल हाईवे कौन सा है आई एम नॉट श्योर। अगर आपको पता है ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। NHAI अगर आपको फुल फॉर्म पता है कमेंट करके बताइएगा। ओके ना, रात को बस रुकेगी 1 बजे, शायद डीजल भी रिफिल किया जाएगा।
आपसे आगे कहाँ मुलाकात होती है। गुड नाइट। रात के 3 बज रहे हैं और इस तरफ जो आप देख रहे हो, दिस इज त्रिची मदुराई हाईवे। करंट लोकेशन हमारी है त्रिची। अगर आप देखोगे अब हमारी गाड़ी के ड्राइवर अन्ना यहाँ पर हम चेंज किए जा रहे हैं। अब जो पहले वाले थे अब वो पीछे आराम करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो सब पैसेंजर्स उतरे हैं। अगेन वॉशरूम वगैरह। चेहरे की हालत देखो भाई साहब, क्या ऐसी अंदर नींद आ रही है ना, एकदम कंफर्टेबल जर्नी। पता ही नहीं लग रहा दैट आई एम स्लीपिंग ऑन अ मूविंग बस। मक्खन की तरह बस चल रही है। रात को 3 बजे आप हाईवे देखो। मैं सोच रहा हूँ वापस चाय कॉफ़ी कुछ ले लूँ, नहीं नींद उड़ जाएगी मेरी। अब अन्ना बता रहे हैं यहाँ से हम पूरा बस यहाँ से नॉन स्टॉप जाएगा, ठीक है। बस आपको यही बताना था कि फर्स्ट क्लास जर्नी चल रही है। रात को 3 बजे कैमरा लेके मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है ये एक और गलती। बसेस का तो पूछिए मैं। कल शुरुआत की थी कुछ 8:30, नाउ इट इज़ 8:11 और बिल्कुल राइट टाइम। आपको बता दूँ मैं उतरा हूँ कोयम्बेडू चेन्नई और यहाँ पर देखिए कल रात शायद बारिश हुई है कड़क और यहाँ का वेदर देखिए हल्की हल्की ठंड भी है। तो जर्नी करके आ गया मज़ा। उम्मीद है बस व्लॉग में आपको मज़ा आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बस हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और आपसे बहुत जल्द वापस मुलाकात होगी। कितनी जगह अगर आप देखोगे ना, कितनी जगह पानी भरा हुआ है रोड पर। सो दिस इज डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। बस थोड़ा सा आराम करेंगे और वापस यहाँ से निकलने के लिए तैयार। 700 किलोमीटर्स का सफ़र मेरा होता है ख़त्म। बट यार ये वेदर लाजवाब, ठीक है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। टेक केयर।